तो आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे हम लोग म्यूजिक के सारे नोट्स गिटार पे कैसे याद रख सके। तो काफी इंपॉर्टेंट लेसन है बिगनर्स के लिए, उनके लिए भी जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोट्स कहाँ पे है। लाइक आपका जी साफ कहाँ पे हो गया, एफ साफ कहाँ पे हो गया, बी फ्लैट कहाँ पे हो गया, आप लोग ढूंढ नहीं पाते फ्रेट्स पे। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 2 मिनट में सारे नोट्स ढूंढ लोगे गिटार पे कहीं पे भी। तो मुझे काफी क्वेश्चन आता है कि कौन सा गिटार अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ यामाहा का F310 जो कि काफी अच्छा गिटार है, इसके ऊपर मैंने रिव्यू भी बनाया, उसको आप जरूर देखिए, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसी रेंज में आपको कॉर्ड का भी मिल जाएगा, फेंडर का भी मिल जाएगा, सारा रिव्यू मैंने बनाया, कंपैरिजन बनाया, सभी लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उनको एक बार जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने काफी सारे लिंक्स भी दिए हैं गिटार्स के बजट के हिसाब से, लाइक आपका बजट जितना है 3000 हो गया, 8000 हो गया, 5000 हो गया, मैंने एक शॉर्ट करके वहाँ पे लिस्ट बनाया, आप उसको जरूर चेक कीजिए, अपने जरूरत के हिसाब से वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम में वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नहीं तो मेरा फेसबुक का पेज भी है, तो सारे लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी आज का लेसन स्टार्ट करेंगे, अगर ये लेसन आपको हेल्प करे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए भी शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दिखा दूंगा, डायग्राम बना के आप इसको 2 मिनट में समझ लोगे, एंड काफी सिंपल है, कोई भी इसको आराम से समझ सकता है। तो चलिए बस डायग्राम की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, काफी बेसिक चीज है, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको अभी 2 मिनट में सब समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो लिखा है म्यूजिक का नोट्स, इसको आपको एक ऑर्डर में याद रखना है, बस यही काम आपको करना है। लाइक आपका ए हो गया बी फ्लैट, और इसको हम ए शार्प बोल सकते हैं, बी सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, देन बैक टू ए। ठीक है, जी शार्प के बाद आपका ए रिपीट होता है, तो 12 नोट्स हो गया। इसको इसी ऑर्डर में आप रख लीजिए, याद रख लीजिए, नेक्स्ट आपका सारा काम आसान हो जाएगा। तो जो स्मॉल बी लिखा है इसको हम फ्लैट बोलेंगे, जो हैश लिखा है उसको हम शार्प बोलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फ्रेट का डायग्राम आपका गिटार का, ये लाइन से आपका स्ट्रिंग्स है, ये जो बॉक्स बना ये सब फ्रेट्स है। ठीक है, तो आपका हो गया ई, बी, जी, डी, ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये स्ट्रिंग्स हो गया। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ई स्ट्रिंग है, तो उसका जो नेक्स्ट नोट आएगा आपको क्या करना है, बस इसी ऑर्डर को फॉलो करना है जो म्यूजिक का नोट से। लाइक आपका ई हो गया, नेक्स्ट नोट क्या आएगा ई का, एफ, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेट पे आएगा एफ। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पे आपका ए नोट है, बी फ्लैट, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, मतलब 12th फ्रेट पे वापस आपका ई आ रहा है, देन आपका आएगा एफ, एफ शार्प, ऐसे ही कंटिन्यू करके चलेगा। काफी सिंपल ट्रिक है। सेम आपका सेकंड स्ट्रिंग क्या है, बी है, तो आपका फर्स्ट फ्रेट पे क्या आएगा, बी का नेक्स्ट नोट यहाँ पे सी, तो ऐसे ही वहां से कंटिन्यू होकर चलेगा, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, अप टू वापस 12th फ्रेट पे सी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा 12th फ्रेट पे, देन सी, सी शार्प, देन सेम आप डी अगर कंसीडर करोगे, फोर्थ स्ट्रिंग आपका डी है, देन आपका डी से स्टार्ट होगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आएगा, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, वैसे आपका डी नोट पे भी चलेगा, डी स्ट्रिंग पे भी चलेगा, फर्स्ट फ्रेट पे डी शार्प, सेकंड पे ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प। तो इसको आप एक बार बना के रख लीजिए कॉपी पे, आपको काफी इजी होगा सारी चीजें फॉलो करने में। तो चलिए भाई गिटार को चलते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कैसे ये चलता है। तो आई होप अभी आपको डायग्राम समझ में आ गया, काफी बेसिक चीज है, आप इसको 2 मिनट में सीख लोगे। तो चलिए प्रैक्टिकली कुछ समझ लेते हैं। आपका फर्स्ट स्ट्रिंग है ई, हमने डायग्राम में देखा, तो फर्स्ट फ्रेट में क्या आएगा, ई का नेक्स्ट नोट एफ, देन एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा कि फर्स्ट स्ट्रिंग पे आप लोग जी ढूंढ के दिखाओ, तो आप आराम से काम कर सकते हो, ई, एफ, एफ शार्प, जी, यहाँ पे जी है, देन फिफ्थ फ्रेट पे ए, बी, ऐसे करके आप आराम से कोई भी नोट ढूंढ पाओगे किसी स्ट्रिंग पे, किसी फ्रेट पे। तो अगर थर्ड स्ट्रिंग को कंसिडर करोगे, आपका क्या बनता है, जी बनता है, तो आपका थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पे कौन सा नोट आएगा, ये आपका है सी, क्योंकि जी ओपन, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी, आप आराम से यहाँ पे सी नोट ढूंढ पाओगे, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, वैसे ही चलेगा। सेम आपका सिक्स स्ट्रिंग एंड फर्स्ट स्ट्रिंग पूरा सेम है, बस आपका ऑक्टेव अलग है, आपका हायर ऑक्टेव में है, ये लोअर ऑक्टेव में, बाकी नोट्स पूरा सेम अरेंज हुआ है, लाइक ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, वैसे ही चलेगा आपका जैसा फर्स्ट स्ट्रिंग में चल रहा था। सेम आपका फिफ्थ स्ट्रिंग देखना है, क्या बन गया ए, तो आपका थर्ड नोट क्या बनेगा, ये बनेगा सी, डी, सी शार्प, तो ये नोट क्या बनेगा, आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पे बना आपका डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प बन गया, ये जी, जी शार्प, ए, तो ऐसे करके आप आराम से कोई भी नोट फाइंड कर पाओगे गिटार पे किसी भी पोजीशन पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी आपको हेल्प करेगा आगे आपको सीखने में गिटार एंड थ्योरी सीखने में, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए, काफी इजी कंसेप्ट है, आप इसको 2 मिनट में समझ लोगे।
इसको एक पेज पे बना के रख लीजिए कॉपी में, ताकि आप इसको देख सको और इसको बार बार प्रैक्टिस कर पाओ। तो आज का लेसन यहीं पे रखते, कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।